आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या पहनना है, इवन दो आपकी वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, या फिर आपने ट्रेंड के नाम पे बहुत सारे ट्रेंडी कपड़े ले लिए और अब वो सारे आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, तो आपके पास कुछ पहनने के लिए नहीं बचा, या फिर आपने बस अभी अपनी फैशन की जर्नी शुरू करी है, अच्छा लगना शुरू किया है एंड आप ऐसे पीसेस लेना चाहते हो जो कि लंबा भी चले और हर चीज के साथ जाए और अच्छे दिखो आपस में। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज के वीडियो में आई विल टेल यू वो मस्ट हैव पीसेस जो आपकी वार्डरोब में होने ही चाहिए जिसे आप अपनी वार्डरोब बनाओगे सारी बॉडी टाइप्स के लिए। और अगर आपको अपने पैसे वेस्ट नहीं करने एक लंबे टाइम में और इन्वेस्ट करना है अच्छे कपड़ों में, तो ये वीडियो की हर पॉइंट ध्यान से सुनना एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर टू न्यू वीडियोस एवरी वीक। तो ऐसे वर्सेटाइल पीसेस जो कि आपकी स्टार्टिंग की वार्डरोब बनाएंगे, जिसको आप मिनिमलिस्ट वार्डरोब भी कह सकते हो, कैप्सूल वार्डरोब भी कह सकते हो अभी के लिए, वहां पे ना दो मेन फोकस होते हैं ताकि सारी चीजें वर्सेटाइल हो। वो दो मेन फोकस हैं, पहला कलर, दूसरा फिटिंग। हर पीस का कलर होना चाहिए न्यूट्रल और सॉलिड, मतलब कि बेसिक जो कलर्स होते हैं आपके ब्लैक व्हाइट ग्रे ब्लू इस टाइप का होना चाहिए, एंड सॉलिड मतलब कि एकदम प्लेन कलर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई लोगोस वगैरह या कोई डिजाइन पैटर्न्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इनकी फिटिंग स्लिम फिट ही होनी चाहिए क्योंकि स्लिम फिट इकलौती ऐसी फिटिंग है जो कि हर ओकेजन में भी अच्छी लगती है और हर टाइप के बॉडी टाइप पे भी अच्छी लगती है। अगर आप अपने बेसिक कपड़े अभी मिनिमल ले लोगे, मिनिमल मतलब एकदम सिंपल वाले जो कपड़े होते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इन कपड़ों से आपका फैशन शुरू होगा एंड इसके ऊपर आप जो ट्रेंड्स लेना चाहो वो ले सकते हो और इन्हीं कपड़ों के साथ पहन सकते हो। आपको ऐसे पीसेस खरीदने चाहिए जो कि आज भी आपके ऊपर अच्छे दिखें और आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी आपके ऊपर अच्छे दिखें। और हाँ, मतलब काफी सालों तक चले भी, 100 साल नहीं चलेंगे लेकिन हाँ 5 साल तक चल जाएं। देखो, अगर आप अच्छी क्वालिटी का नहीं खरीदोगे, बेसिक्स इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो वो दो वॉशेस के बाद एकदम पोचा बन जाएगा कपड़ा। तो एक ही बार इन्वेस्ट करो रादर देन आप हर 6 महीने में वापस खरीदे जा रहे हो। और इनपे स्पेंड स्लोली करो। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो ये नहीं कि आपने सस्ते सस्ते खरीद लिए, अगर पैसे कम है तो कम चीजें खरीदो लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली खरीदो। और अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं ताकि आप ये बेसिक वार्डरोब अपनी ले पाओ, तो आप हाउ टू अर्न मनी वाला वीडियो देख सकते हो चैनल पे। और ये जो वार्डरोब बिल्ड करने वाले पीसेस होते हैं ना, ये हर एज के लड़के पे एंड हर ओकेजन में अच्छे दिखते हैं। अब इसके ऊपर आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से और चीजें ले सकते हो, जैसे कि जो अब मैं बताऊंगा पीसेस उसके ऊपर, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो ग्राफिक टी शर्ट्स ले सकते हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आप थोड़ा सा फॉर्मल शर्ट्स ले सकते हो, फॉर्मल पैंट्स ले सकते हो, एंड अगर कोई डेट वेट आ गई है तो आप थोड़ी सी पोलोज और ले सकते हो, मैंडरिन कॉलर शर्ट्स और ले सकते हो, एंड अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल पसंद है तो आप ओवरसाइज कपड़े ले सकते हो। बट जो मस्ट हैव कपड़े हैं आपकी वार्डरोब के लिए, मतलब जो आपके पास होने ही चाहिए, वो है ये। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाइट स्नीकर्स। अब व्हाइट स्नीकर्स हर चीज के साथ अच्छे दिखते हैं क्योंकि इनका कोई कलर नहीं होता, ये व्हाइट होते हैं एंड ये एकदम प्लेन होने चाहिए, इस पे कोई डिजाइन कोई पैटर्न कुछ नहीं होना चाहिए। अब माना कि ये सब चीजों के साथ अच्छे दिखेंगे, लेकिन एक और चीज यहां पे ये आती है कि आपको इसको साफ रखना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल है, तो आपको हर वीक इसको साफ करना पड़ेगा नहीं तो एकदम गरीब लगोगे। आपको कौन से वाइट स्नीकर्स लेने चाहिए वो आप मेरी वाइट स्नीकर्स वाली वीडियो में देख सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। सेकंड शू जो आपके पास होना चाहिए वो है लोफर्स, ताकि आप पहन पाओ थोड़ी सी मैच्योर टाइप के इवेंट्स में, जैसे कि पार्टीज या वेडिंग्स। तो हर टाइप की सेमी फॉर्मल ओकेजन पे सही दिखने वाला मेरे हिसाब से है डार्क ब्राउन कलर का स्वेड लोफर, वो क्लासी भी दिखेगा एंड स्टाइलिश भी दिखेगा। अगर आपको लोफर्स के बारे में और जानना है तो आप हमारी लोफर्स वाली वीडियो भी देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाते हैं पैंट्स पे। तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक डार्क जीन्स। अब चाहे वो डार्क ब्लू हो या जेट ब्लैक हो, मैं प्रेफर करता हूं डार्क ब्लू इंडिगो टाइप की जीन्स हो, वो ज्यादा मैच्योर दिखती है, ज्यादा क्लासी दिखती है और आप ना उसको थोड़ा सा ड्रेसअप कर सकते हो। ड्रेसअप का मतलब कि थोड़ी सेमी फॉर्मल ओकेजन पे भी पहन सकते हो आप, बहुत क्लासी दिखती है एंड इससे मैक्सिमम आउटफिट्स बन सकती है। चौथी चीज है लाइट ब्लू कलर की डेनिम, थोड़ी सी कैजुअल फन चिल टाइप के डेज के लिए। अब ये याद रखो, ये दोनों जीन्स के ऊपर कोई डिस्ट्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, फटी फुटी नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन होनी चाहिए, कोई वॉश भी नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर, मतलब वॉश मतलब वो जो अलग अलग दो शेड्स होती है ना वो भी नहीं होना चाहिए। और दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी फिट स्लिम फिट हो, ताकि हर टाइप के आउटफिट के साथ अच्छी लगे। और हाँ, 2000 लाइक्स करवा दोगे तो जीन्स के ऊपर वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको उनकी सही फिटिंग भी बताऊंगा एंड ऐसी जीन्स बताऊंगा जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पांचवी चीज जो आपके पास होनी चाहिए है खाकी चीनोस। चीनोस मतलब आगे से फ्लैट वाली कॉटन वाली पैंट्स, ये मैच्योर दिखती है, क्लासी दिखती है, स्टाइलिश दिखती है एंड सेमी कैजुअल सेमी फॉर्मल ओकेजंस के लिए बेस्ट है। अब आप कहोगे ब्लैक ग्रे कलर तो है नहीं, खाकी क्यों? क्योंकि चीनोज में खाकी सबसे ज्यादा क्लासिक एंड ऐसा कलर है जो हर टाइप के टॉप के साथ जाता है। बस याद रखना ये भी स्लिम फिट होनी चाहिए और आपके एंकल्स तक ही आनी चाहिए। नेक्स्ट आइटम है एक डार्क ग्रे कलर की या तो चीनोज या ट्राउजर्स। ये है थोड़े से फॉर्मल ओकेजंस होते हैं ना, जैसे आपके प्रोफेसर ने एक डिनर रख दिया या फिर आपके ऑफिस में एक फ्राइडे को डिनर पार्टी है या ऐसा कुछ। अब आप इसके ऊपर ना हल्का फुल्का सा अगर पैटर्न दिख रहा है तो वो चलता है, लेकिन बहुत हल्का होना
चाहिए। अगर आपको चीनोज के बारे में और जानना है तो आप जाके हमारी चीनोज वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाते हैं ऊपर पहनने वाली चीजों पे। सेवेंथ एसेंशियल है ब्लैक या व्हाइट या ग्रे कलर की एक राउंड नेक टी शर्ट। राउंड नेक इसलिए क्योंकि राउंड नेक एक क्लासिक है, मतलब ये ध्यान रखना कि उसकी अजीब सी स्लीव ना हो, उस पर जेब वेब ना बनी हो। और देखो कलर ब्लैक व्हाइट ग्रे में से आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले लो। अगर आप थोड़े से मोटे हो और मोटे होने के बारे में इनसिक्योर हो, या फिर डार्क हो और डार्क होने के बारे में इनसिक्योर हो, तो आप ब्लैक ले सकते हो। या फिर अगर आप पतले हो तो आप एक फुल स्लीव की व्हाइट कलर की हेनली टी शर्ट ले लो। वो राउंड नेक नहीं होती, उसके यहाँ पे थोड़े से बटन भी होते हैं, बट इसमें से आप कोई भी ले लोगे आपके ऊपर अच्छी दिखेगी, बस बेसिक होनी चाहिए। आप हमारा प्लेन टी शर्ट वाला वीडियो भी देख सकते हो, एसेंशियल टी शर्ट वाला वीडियो भी देख सकते हो, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट एसेंशियल एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है व्हाइट शर्ट, द मोस्ट क्लासिक शर्ट एवर। और हर जगह ये पहन के आप क्लासी और स्मार्ट ही देखोगे। बस मेक श्योर कि आपको ये फिट अच्छे से आए, अपने टेलर के पास जाके प्लीज इसको अपनी बॉडी के हिसाब से सही फिट करवा लेना। मैंने सही वाली फिटिंग शर्ट्स वाले वीडियो में बताई थी, प्लीज जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका भी। और हाँ, इसका कॉलर स्ट्रेट रखा करो, शर्ट को आयरन करके पहना करो, और हाँ इसके बटन्स भी व्हाइट ही होने चाहिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एसेंशियल है एक ब्लू शर्ट। किसी भी फॉर्मल या सेमी फॉर्मल या कैजुअल या सेमी कैजुअल ओकेजन के लिए बेस्ट है एक ब्लू शर्ट। कोई ऐसा लड़का पैदा नहीं हुआ किसी भी बॉडी शेप का, किसी भी फेस कलर का, किसी भी स्किन टोन का, जिसके ऊपर ब्लू शर्ट अच्छी ना लगे। और हाँ, इसको अगर आपको एकदम कैजुअल बनाना है तो आप इसको लेयर करके भी पहन सकते हो। 10th एसेंशियल है ब्लैक या व्हाइट पोलो टी शर्ट। पोलो टी शर्ट एक मस्ट हैव है सेमी फॉर्मल पार्टीज के लिए एंड डेट्स के लिए। ये मैच्योर भी दिखती है और साथ में कूल एंड स्मार्ट भी दिखती है। अब कलर का वही सेम, अगर आप इनसिक्योर हो थोड़े से चबी होने की वजह से या डार्क होने की वजह से, तो आप ब्लैक पोलो ले सकते हो, नहीं तो व्हाइट पोलो भी ले सकते हो। ब्रो नेक्स्ट एसेंशियल है एक डार्क ग्रे कलर की टर्टल नेक। मतलब आप व्हाइट या ब्लैक भी ले सकते हो, लेकिन डार्क ग्रे कलर ना टर्टल नेक में बहुत क्लासी दिखता है। अब टर्टल नेक आप थोड़े स्वेटर मटेरियल वाली भी ले सकते हो, जो कि ज्यादा सर्दी वाली जगहों के लिए सही है। एंड अगर आपके यहाँ पे विंटर्स इतनी खतरनाक नहीं होती तो आप नॉर्मल टी शर्ट वाली टर्टल नेक भी ले सकते हो। बस उसके ऊपर वो क्रेजी डिजाइन या क्रेजी पैटर्न्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। वो जो निटिंग बुनाई वाले अजीब से पैटर्न्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। बस मेक श्योर कि उसकी फिटिंग बहुत अच्छी हो आपकी बॉडी के ऊपर, ताकि जब आप उसको लेयर करो, उसके ऊपर कुछ पहनो तो बहुत अच्छी दिखे। नेक्स्ट एसेंशियल है एक व्हाइट कलर की स्वेट शर्ट। स्वेट शर्ट मतलब वो राउंड नेक वाली फुल स्लीव टी शर्ट की तरह ही दिखती है, लेकिन हाँ वो थोड़े से मोटे मटेरियल की वाली होती है। अब आप व्हाइट ग्रे ब्लैक में से कोई भी कलर ले सकते हो वैसे तो, लेकिन स्वेट शर्ट में व्हाइट कलर अच्छा दिखता है जब आप उसके ऊपर कुछ लेयर करते हो, कोई जैकेट वगैरह पहनते हो। आप मान के चलो ये बिल्कुल राउंड नेक टी शर्ट की तरह है, बस सर्दियों के लिए। बस अगेन इसकी फिटिंग एकदम स्लिम फिट होनी चाहिए आपके ऊपर, ताकि आप इसके ऊपर लेयरिंग अच्छे से कर पाओ और मैक्सिमम चीजों के साथ पहन पाओ, आपके पैसे बचे। वैसे विंटर फैशन सीरीज शुरू होने वाली है, मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो सबसे पहले किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, स्वेट शर्ट, हुडी, स्वेटर वगैरह, जिसके ऊपर भी बता दो मेरे को। नेक्स्ट एसेंशियल है एक ब्लैक कलर की हुडी। अब यहाँ पे भी आप ब्लैक व्हाइट ग्रे कुछ भी ले सकते हो, मैं कहूंगा वो वाला कलर लो जो कि आपके पास ऊपर स्वेट शर्ट और आपके स्वेटर मतलब टर्टल नेक के अंदर नहीं है। इससे क्या होगा, आपके पास आपका टर्टल नेक, स्वेट शर्ट और हुडी तीन अलग कलर के हो जाएंगे, आप अलग अलग आउटफिट्स बना पाओगे। देख रहे हो, दिमाग देख रहा। अब देखो हुडी ना बहुत ज्यादा वर्सेटाइल नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैजुअल होती है उसकी हुड की वजह से। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हुडी को तो ब्लैक कलर में ले लो, ताकि थोड़ी सी क्लासी दिख जाए। तो ब्लैक हुडी को आप बहुत सारी चीजों के साथ पेयर कर पाओगे। अब आ जाते हैं वो दो बहुत इंपॉर्टेंट जैकेट्स पे जो आपके पास होनी चाहिए। तो 14th एसेंशियल है एक ब्लैक डेनिम जैकेट। अब आप कहोगे कि यार डेनिम जैकेट तो ब्लू में बहुत अच्छी दिखती है। अच्छी दिखती है, ब्लैक डेनिम जैकेट से बेटर दिखती है। लेकिन कौन सी ऐसी एसेंशियल जैकेट है जो आपके पास हो तो सब सॉर्टेड है, वो है ब्लैक डेनिम जैकेट। ये विंटर्स की बेस्ट इसलिए क्योंकि ये हर चीज के साथ अच्छी दिखती है। आप इसको ऑफिस भी पहन के जा सकते हो, अपने ऑफिस के फॉर्मल कपड़ों के ऊपर, क्योंकि ये उसके साथ भी अच्छी दिखती है। इसका ब्लैक कलर है तो ये ज्यादा कैजुअल नहीं दिखती। हाँ, इसका जो हार्डवेयर है मतलब इसके ऊपर जो बटन है वो भी एकदम डार्क होने चाहिए, वो अलग से चमकने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कैजुअल दिखेगी। और हाँ, जैकेट्स वाला वीडियो भी विंटर फैशन सीरीज में आने वाला है। नेक्स्ट एसेंशियल है एक ब्लेजर, या फिर जिसको स्पोर्ट्स जैकेट भी कहते हैं, नेवी कलर में। वैसे आप चारकोल ग्रे भी ले सकते हो, बट मुझे लगता है कि नेवी कलर हम लोगों के एज ग्रुप के लिए बेटर है। ये बेस्ट लगता है थोड़ी सी मैच्योर टाइप की पार्टीज में, फैमिली फंक्शंस में, वेडिंग्स में। बस प्लीज ये देख लेना कि ये आपको बहुत अच्छे से फिट हो। मतलब क्या मैं ब्लेजर के लिए अलग से वीडियो बना दूं क्या? एनीवे, अब आ जाते हैं एक्सेसरीज पे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जिसके बिना आपकी जो आउटफिट है वो बिल्कुल डेड लगती है, मरी हुई लगती है, वो है एक वॉच। एक अगर आप सिल्वर कलर की चेन वाली वॉच ले लोगे जिसका डायल भी व्हाइट या सिल्वर हो, कुछ ज्यादा कुछ ना हो रहा हो उसके अंदर, तो वो सबसे ज्यादा वर्सेटाइल होगी। एंड ट्रस्ट मी, वो हर टाइप की आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी। और यहीं से आती है हमारी बाकी की एसेंशियल एक्सेसरीज, जो कि है एक नेक चेन और एक ब्रेसलेट, दोनों उसी सिल्वर कलर में
जिसकी आपकी वॉच है। अब एसेंशियल के नाम पे आपको अपनी ब्रेसलेट और अपनी चेन सिर्फ एक एक ही पहनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ ईच रूल, सब टाइप की एक चीज पहनो एंड सारी प्लेन होनी चाहिए, कुछ अलग से डिजाइन नहीं चल रहे होने चाहिए उस पे, ताकि आप हर टाइप के आउटफिट के साथ पहन पाओ। नेक्स्ट एसेंशियल है एक पेयर ऑफ सनग्लासेस, जो कि होना चाहिए आपके फेस शेप के हिसाब से सही वाला। सनग्लासेस आपको बाहर की धूप से भी बचाते हैं एंड आपके फेस में सिमेट्री भी ऐड करते हैं, तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। अपने लिए बेस्ट वाला ले लो हमारी बजट सनग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स वाली वीडियो देख के। एंड नेक्स्ट एसेंशियल है नो शो सॉक्स, क्योंकि गर्मियों में जब आप लोफर्स पहन रहे हो, इवन स्नीकर्स भी पहन रहे हो, तब अपने एंकल्स को खुला छोड़ देते हो जनरली, तो तब आपको नीचे सॉक्स तो पहननी पड़ती है ताकि आपके शूज ना खराब हो, तो तब के लिए बेस्ट होता है नो शो सॉक्स। एंड अगर थोड़ी सी सर्दी पड़ गई तो आता है हमारी वीडियो का आज का लास्ट एसेंशियल, जो कि है व्हाइट कलर की ट्यूब सॉक्स, क्योंकि ये आप पहनोगे व्हाइट वाले स्नीकर्स के साथ पूरी ऊपर चढ़ा के, ताकि आपको ठंड ना लगे। एंड ये सारे एसेंशियल्स ले लोगे तो आपके बहुत पैसे बचेंगे, अच्छी क्वालिटी के लेना, उन लिंक से जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लीज अपने पैसे वेस्ट मत करना गंदा सामान खरीद के। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 5000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक और 2000 रुपीस का शॉपिंग वाउचर ऑनलाइन वाला किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे को नीचे कॉमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी सिटी से हो। एंड दैट्स इट। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।